हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना चैनल सेट स्टडीज में। फ्रेंड्स, घटना चक्र के सीरीज में आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसे अंत तक देखिएगा। और आधुनिक भारतीय इतिहास का प्लेलिस्ट में लिस्ट वाइज वीडियो लगे हुए हैं, तो आप नए हैं तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में राय देना ना भूलें। तो चलिए प्रश्न की ओर। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अधिकार दिया गया था? आंसर बी, लाहौर। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुभारंभ की। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राज गोपालचारी ने त्रिचेनगोंड आश्रम से त्रिचल्लापल्ली के वेदरायण तक नमक यात्रा की, दांडी यात्रा की गई। आंसर डी, 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। आंसर सी, 12 मार्च 1930 गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। आंसर बी, साबरमती से। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत का सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल। आंसर बी, गुजरात। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी गुजरात के समुद्र तट पर नमक कानून उल्लंघन करने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य अपने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों को साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। महात्मा गांधी को समर्पित वेबसाइट www.mkgandhi.org पर सभी 78 सत्याग्रहियों की सूची नाम सहित उपलब्ध है। इस सूची के अनुसार राज एवं सत्याग्रहियों के संख्या निम्न अनुसार है, जहाँ से एक या दो सत्याग्रह शामिल हुए उनके नाम भी हम उल्लिखित कर रहे हैं। वेबसाइट पर चुने देखे जा सकते हैं। गुजरात का 31, महाराष्ट्र का 13, उत्तर प्रदेश का 8, कच्छ का 6, केरल का 4, पंजाब का 3, राजपूताना 3, बॉम्बे 2, सिंध का 1 और नेपाल का 1। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ होम रूल की घोषणा के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद, दांडी मार्च के बाद। आंसर सी, दांडी मार्च के बाद। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? आंसर सी, साइमन कमीशन का आगमन। दांडी मार्च का प्रारंभ 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। कथन, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण, महात्मा गांधी के गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो।
महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों का नमक मुफ्त में उपलब्ध हो, मुफ्त। इसमें आंसर ये सही है परंतु आर गलत है। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई गई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगे रखी थी उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, न कि गरीबों को मुफ्त नमक उपलब्ध कराने की। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व को सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन संबंध है। सहयोग आंदोलन, गांधी की दांडी यात्रा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो। आंसर, गांधी की दांडी यात्रा। उन्होंने दांडी आए सभी देशी व विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? ए, यह पैदल यात्री थे, यात्रा थी, एक पैदल यात्रा थी। बी, साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। सी, साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। डी, इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 की हुई थी। तो यही गलत है, असत्य है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? आंसर, अब्बास तैयब जी। गांधी जी ने 78 सहयोगों के साथ साबरमती आश्रम में 240 मील दूर समुद्री तट पर बसे दांडी गांव 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन के नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी। महात्मा गांधी धरसान नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल, साबरमती जेल, आगा खां पैलेस, अहमदाबाद नगर फोर्ट जेल। आंसर, ए, यरवदा जेल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिए गए थे। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। उनकी भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना के विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? आंसर, सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रथम बार गिरफ्तार हुए। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था? आंसर, बी, वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। धरसना की विध्वंस पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख करते हुए इसने लिखा कि संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, दंगे, गली कूचे में मार काट एवं विद्रोह देखे, लेकिन धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? आंसर, बी, सी, राजगोपालचारी।
संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ हुआ था तथा समस्त देश के नमक कानून उल्लंघन संबंधी अभियान संचालित किए गए। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदरायण की नमक यात्रा प्रारंभ की। 30 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करने के बाद भी यह आंदोलन इनके समर्थकों द्वारा चलता रहा। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी जाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। ए उत्तरी पश्चिमी पख्तून जनजाति क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक कराने का। बी उपनिवेशी के शासकों को अंतिक करने और अंत में उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्ति तरीकों को अपनाने का। सी राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए संवाद क्रांतिकारी विचारधारा अपनाने का। डी पठार क्षेत्र राष्ट्रवादी एकता और अपने आंशिक के विरुद्ध संघर्ष। आंसर डी पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशिक के विरुद्ध संघर्ष पठान। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्र के लिए ब्रिटिश उपनिवेशिक के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवों की हालत में सुधार की मांग की। जबकि अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। आंसर सी अंग्रेजों को निकालने के लिए। उन्नीस में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? आंसर ए अब्दुल गफार खान। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किस आंदोलन में खिलाफत और सहयोग सविनय भारत छोड़ो? आंसर सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसी इलाके में खान अब्दुल गफार खान वर्षों से सक्रिय थे और उनके द्वारा जनता में किए गए काम की वजह से अहिंसक क्रांतिकारियों का बहादुर जत्थे यानी खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? जनरल बी सी जोशी, मेजर धन सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, प्रेम सिंह नेगी। आंसर सी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जियायत रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। आंसर सी मणिपुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजाति ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन के नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गेडी निल्यू ने किया। इसे जियायत रंग आंदोलन कहा जाता है। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय। आंसर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय मुंगेर जिला में स्वतंत्र दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे विसर्जित हुए।
सविनय अवज्ञा आंदोलन सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्य हिंसा के सीमित उपयोग अंग्रेज से समझौते कोई नहीं। आंसर ए रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम का महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति में स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? आंसर बी पटना। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी तथा राधिका देवी प्रमुख है। प्रभावती देवी पटना के स्वतंत्र संग्राम सेनानी थी। तो अगला वीडियो हम लोग का रहेगा गांधी इरविन समझौते का। तो थैंक यू सो मच।